सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर हम डायरेक्टली आ चुके हैं इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे और यहां पर हम बात करते हैं तो एक यहां पर एक बात निकल कर क्या रही उसके बारे में बात करने वाले, क्योंकि यहां पर एक जो है बहुत ही बड़ी कंपनी है उसमें बल्क डील होती हुई दिखाई दे रही है। तो उसमें बताया जा रहा है कि बाटा इंडिया लिमिटेड जो कि यहां पर जूते बनाने वाली कंपनी है उसके प्रमोटर जो है यहां पर कंपनी के वो सेल कर रहे हैं 2.8% का स्टेक कंपनी में, जिसकी जो टोटल वैल्यू निकल कर के आ रही है फ्रेंड्स 316 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो फ्रेंड्स, यहां पर बहुत ही बल्क डील बढ़िया देखने को मिली आज के दिन जो इस डील को एग्जीक्यूट किया गया बाटा इंडिया की ओर से, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर इसके जरिए जो अपने प्रमोटर अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। तो प्रमोटर जो फ्रेंड्स यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपना स्टेक जो क्यों रिड्यूस कर रहे हैं और उससे जो स्टॉक के प्राइस पे क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, प्रमोटर के यहां पर स्टॉक में कितनी होल्डिंग है और स्टॉक भी कैसा है यहां पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए। तो पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि पूरे आर्टिकल में क्या बातें बताई गई। तो फ्रेंड्स, यहां पर बताया गया कि प्रमोटर्स है जो कि यहां पर 36 लाख शेयर्स को सोल्ड कर रहे हैं यहां पर, जो कि निकल कर क्या रहा है ऑलमोस्ट 2.8% का स्टेक कंपनी में वाया मल्टीपल ब्लॉक डील्स, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक डील्स के जरिए जो यहां पर प्रमोटर अपना स्टेक को सेल आउट कर रहे हैं। और जो फ्रेंड्स उसका जो प्राइस भी डिसाइड किया गया वो 1850 रुपीज़ अ पीस रखा गया, यानी कि एक शेयर का जो प्राइस यहां पर प्राइस बैंड था 1850 रुपीज़ का, यानी कि किसी भी जो यहां पर इंस्टीट्यूशन या को यहां पर उसको बाय करना है तो 1850 रुपीज़ पर के शेयर के हिसाब से बाय करना होगा। और डील साइज की जो एग्रीगेट वैल्यू है 316 करोड़ रुपीज़ निकल करके आ रही है। सो फ्रेंड्स, यहां पर अपने आप में बहुत ही बढ़िया डील निकल करके आ रही है। अगर उसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं तो यहां पर BSE की डेटा के हिसाब से बात करते हैं तो मोर देन 36.5 लाख शेयर जो यहां पर एक्सचेंज हुए हैं यहां पर सिग्निफिकेंटली हायर देन 2 वीक्स एवरेज, क्योंकि यहां पर 2 वीक्स की एवरेज भी यहां पर 0.33 लाख शेयर्स निकल करके आ रही है। तो बहुत ही बढ़िया यहां पर एक तरीके से बल्क डील होती हुई दिखाई दी, जिसको जो आपको डेफिनेटली यहां पर एक तरीके से कंसीडर करना होगा। फ्रेंड्स, यहां पर फर्दर बात करते हैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी फ्रेंड्स 10.86 लाख शेयर जो यहां पर एक तरीके से 201.51 करोड़ की जो यहां पर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी। क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा सा जो है यहां पर इकोनॉमिक टाइम्स का पेज जो यहां पर कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होता है तो ये ऐसा देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, यहां पर बताते हैं फर्दर तो यहां पर जो ब्लॉक डील्स के माध्यम से जो एक्सचेंजेस में दोनों एक्सचेंजेस में एग्जीक्यूट की गई उसको जो यहां पर ईटी मार्केट ने जो वेरीफाई नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, तो आपको जो यहां पर सोर्सेज से बातें निकल करके आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी बात निकल कर क्या रही कि हमें प्रमोटर के स्टेक होल्डिंग के बाद जो है कंपनी के स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर जो स्टॉक में यहां पर अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई दे रही थी अपने डाउन लेवल से, क्योंकि यहां पर इसी लेवल के आसपास जो यहां पर एक तरीके से ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था 1850 के आसपास। तो कंपनी ने भी इसी प्राइस पे बेचा है, इसीलिए यहाँ पर एक बात निकल कर कह रही है कि जो प्राइस चल रहा है अभी वो यहाँ पर फेयर प्राइस है, क्योंकि बड़े बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और बड़े यहाँ पर एक तरीके से लोग हैं जो इसी प्राइस पे परचेस कर रहे हैं, तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर एक तरीके से मान सकते हैं कि फेयर प्राइस है, क्योंकि वो बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे किसी भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो करंटली प्राइस चल रहा है वो फेयर प्राइस है, लेकिन बात है कि प्रमोटर ने अपने स्टॉक को यहाँ पर क्यों सेल किया। तो फ्रेंड्स, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट रहती होगी तो उसको यहाँ पर अपने जो प्रमोटर यहाँ पर बल्क डील के जरिए यहाँ पर एक तरीके से स्टेक को रिड्यूस करते हैं। लेकिन अभी भी बात करते हैं प्रमोटर की तो उसके पास जो बहुत ही ज़्यादा और सिग्निफिकेंट यहाँ पर एक तरीके से होल्डिंग रखी हुई है, तो आपको उसको भी कंसिडर करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ आपको लेकर के उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस टाइप की यहाँ पर उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया और उसके अलावा यहाँ पर फिगर्स में भी बताया गया कि कितने परसेंटेज की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस क्वार्टर यानी कि 31 मार्च 2022 और December 2021 को हम कंपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि March 2022 में 52.96% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, जो कि फ्रेंड्स लगातार पिछले 2-3 क्वार्टर से उतनी ही यहाँ पर दिखाई दे रही है सभी क्वार्टर में, क्योंकि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर कैरी करके रखा हुआ है। उसके अलावा बात करते हैं FIH के पास फ्रेंड्स तो 6.66% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें फ्रेंड्स थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है यहाँ पर 0.5% के आसपास। तो FIH ने जो यहाँ पर कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पर अपना स्टेक को इंक्रीज किया है। DIH के पास भी फ्रेंड्स 27.41 यानी कि ऑलमोस्ट 28% के आसपास यहाँ पर हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का जो कंपनी पे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर भरोसा दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, जो प्रमोटर अपनी 2.8% की हिस्सेदारी को यहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें जो फ्रेंड्स मेनली बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर जो है प्रमोटर की हिस्सेदारी फिर भी जो यहाँ पर 50% के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी चेंज नहीं होने वाला है उसकी हिस्सेदारी में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत थोड़े जो है माइनर क्वांटिटी में यहाँ पर एक तरीके से सेल ऑफ दिखाई दे रहा है, तो आपको उसको कंसिडर करके चलना होगा।
सो फ्रेंड्स, यही मेनली बातें थी जिसको जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की कि यहाँ पर जो बाटा इंडिया में स्टॉक का प्राइस अभी जो यहाँ पर चल रहा है वो फेयर प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे प्राइस पे यहाँ पर एक तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक तरीके से प्लेसमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर 7% का डिस्काउंट भी देखने को मिला था उसमें यहाँ पर प्राइस में, तो यहाँ पर जो 1700 के आसपास जो स्टॉक का प्राइस गिर करके आ सकता है, तो आपको उसको भी कंसीडर करना होगा। लेकिन अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो ऑलमोस्ट जो यहाँ पर एक तरीके से अपने फेयर प्राइस के आसपास दिखाई दे रहा है, तो उसमें कोई बहुत ही चिंता की बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।